अस्सलाम वालेकुम साथियों, तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ से पता लग जाएगा। और हम जो हैं इस वक्त ये सारी जगह जो है, बरामदे जो हैं, खिड़कियाँ और वॉल्स घर की धो रहे हैं। और सबसे जो आसान तरीका है हमारे लिए धोने के लिए वो कारशर है, तो हम इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। होज़ हमने लगा रखी है और बड़ा एरिया है ऑब्वियसली, तो मेहनत तलब काम है। और आज हमारे साथ काम करने वाला भी कोई नहीं है, तो साथ ही हमें ये घसीटना पड़ रहा है। इसमें हमने ये पानी का कनेक्शन लगा रखा है। ये सस्ता सा कारशर है और ये भी बहुत अच्छा काम कर लेता है। बहुत अच्छे कमर्शियल सतह पर भी कारशर्स जो हैं वो मिलते हैं। मुख्तलिफ मशीनें हैं जो प्रेशर से पानी और हवा जो है वो फेंकती हैं, उससे यह है कि हर चीज़ जो है वो उखड़ के उधड़ के बाहर आ जाती है और साफ़ सुथरी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है यहाँ और वहाँ में, जो डस्ट भी बैठी हुई है। ये जो पोस्ट्स हैं इनको भी हम धोते हैं, बड़ा अच्छा साफ़ सुथरे हो जाते हैं। अगर इनको ना धोया हुआ हो साल भर तक, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह पर इनके ऊपर एक मोल्ड सी आ जाती है। इसी तरह पर छत है जिसे हम धोते हैं, लेकिन हम ये एहतियात करते हैं कि हम पावर पॉइंट के पास ना जाएं। और छत का पानी जो है वो हम कोशिश करते हैं कि हर बार में टच ना करें हम छत को पानी से, इसलिए कि फिर वो बाज़ों का स्ट्रीक्स छोड़ जाता है। और यहाँ पर ये विंडो जो है ये हमने धो ली है, जाली सारी धुल गई, ग्रिल सारी धुल गई, बहुत अच्छा। कभी ये होता है कि हम सोपी वाटर जो है, जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है, उसको घोल कर पानी में, जैसे समझें कि 1/4 कप डिश वॉशिंग लिक्विड हो और 4 जग पानी हो, तो इतना डाल के और आप उसको मल लें सारी विंडोज़ को जो ग्लास है, और उसके बाद आप इसको कारशर से धो लें, तो बहुत अच्छी साफ़ सुथरी सारी विंडोज़ जो हैं वो हो जाती हैं। हमें सुखाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाज़ जगह का पानी ऐसा है कि वो कैल्शियम सी जो है डिपॉजिट वो कर देता है, निशान पड़ जाते हैं, लेकिन हमारा पानी जो है वो इस तरह पर यहाँ नहीं करता है। तो ये देखें, ये विंडो जो है आप देख सकेंगे, इसके ऊपर डस्ट है और ये चमक नहीं रही है, जबकि जो दूसरी खिड़कियाँ हमने धोई हैं वो चमक रही हैं। हमने ये अंदर से सारी विंडोज़ जो हैं ये बंद कर रखी हैं इस वक्त, और साथ के साथ जो है वो हम इन्हें धोते भी रहेंगे। तो कारशर हम किस तरह पर यूज़ करते हैं ये हम आपको दिखा दें। पावर पॉइंट है, पावर लाइन जो है ये चली आती है, ये देखें साथ साथ। और ये वाला जो प्लग है ये हमने यूजुअली इसके ऊपर रखा होता है। पुरानी मशीन है ये, और बहुत फैंसी वाली भी मिलती हैं, लेकिन ये लाइट वेट है, कभी हम इसको ट्रॉली पे भी रख लेते हैं, लेकिन उठाकर रखनी जो है ये मुश्किल नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली लंबी तार आपको चाहिए होती है, और प्लग के दूसरे एंड पर यूजुअली हम वो प्लग यूज़ करते हैं जो कि पानी में अगर कहीं लीकेज हो करंट की, तो ऑटोमेटिकली पावर जो है वहाँ से ट्रिप कर जाए और कट ऑफ हो जाए, तो वो सिक्योरिटी स्विच होता है जो कि हम उस एंड पे लगाते हैं। आज हमने नहीं लगाया हुआ, लेकिन यूजुअली हम वो लगाते हैं। तो इतना वेट नहीं है, आज हम भीगे भी इतना नहीं। हमारा इरादा था कि जल्दी जल्दी करके हम भागेंगे अंदर, लेकिन देर ही हो गई क्योंकि ऐवान मियाँ सो रहे थे, और हमारी कोशिश थी कि हम वो हिस्सा पहले घर का धो लें ताकि ऐवान को शोर से उसकी आँख ना खुल जाए। और वो साहब जो है वो यहाँ हमारे पीछे पीछे ही चले आते हैं इसके देखने के शौक में। और ये देखें, ये कार चल रही है, और ये देखें, और ये जो खिड़की है इस वक्त आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये कितनी गंदी है। आप देखिएगा कि इस जगह पे जो पानी रन करेगा वो कितना मैला होगा।
चमकेगा, सारा एरिया जो हमने धोया है चमकेगा, बिल्कुल बहुत अच्छा शाइन करेगा, खूबसूरत। ऐसे धोने लगे जब हम इसके ऊपर आए हैं चल के, तो पता नहीं चलता था कि इसके ऊपर कितनी डस्ट है, कितनी मिट्टी है या कितना मैला है। ये पाँव, जब आप नंगे यहाँ पर चलते हैं तो पाँव पर डस्ट लगती थी, पता लगता था अंदर जाने लगे कि हाँ यहाँ पर पाँव रखा है तो डस्ट है। तो जिस वक्त आप धोते हैं उस वक्त एक साथ इकट्ठी होती है, तो फिर पता लगता है कि कितना गंद था कितना। और ये सारा का सारा अगर आप ना धोएं तो ऑब्वियसली आप इन्हीं पैरों के साथ अंदर जाएंगे और आपका कारपेट जो है वो गंदा होगा। तो कारपेट जिन घरों के गंदे होते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर फ्लोर्स गंदी हैं, फ्लोर्स गंदी हैं तो आप स्टेप करते हैं। किचन जो है सबसे ज़्यादा ग्रीसी होता है, किचन को बाकायदा मॉप करना चाहिए और ऐसी चीज़ से मॉप करना चाहिए जिससे कि ग्रीस उतरे, ताकि आपके पैरों पे वो ना चिपके और वो कारपेट पे ना आए। यही वजह है कि वॉकवे जो होता है, जिस पर से आपका आना जाना घर के जिस हिस्से पर ज़्यादा होता है, कारपेट्स वहाँ से मैले हो जाते हैं। बाहर जो बरामदे हैं जहाँ आपने निकलना है चलना है, वहाँ पर भी हमेशा साफ करते रहना चाहिए, धोते रहना चाहिए। पहले तो हम हर महीने एक बार ये किया करते थे काम, अब ये है कि 3 मंथ्स में मोस्टली एक बार जो है हम ये घर धोते हैं, साफ करते हैं, सारा दीवारें वगैरह धोते हैं। तो ये है कि एक तरह से दोबारा से वो सारा नया का नया और साफ सुथरा हो जाता है। हम जब इस घर में आए तो ये घर गुलाबी ईंटों का था। ये सारी जो रेंडरिंग है इसके ऊपर दिखाई दे रही, ये हमने खुद की हुई है। और अब अगर हमें वो करनी पड़े तो शायद हम ना कर सकें, इसलिए कि ये एक बहुत भारी काम है। इसमें पत्थर और रेत होती है रेंडरिंग में, जो कि बहुत हैवी है बाजुओं के लिए, रिस्ट्स के लिए, और इंसान के लिए वो आसान नहीं है करना, क्योंकि एक वजनी काम है और टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी देर लगती है उसको करने में, कि आपको डैब डैब करके सारा वो लगाना पड़ता है, तो मेहनत है। बाकी ये है कि ये सारे बरामदे जो हैं ये भी हमने ही पेंट किए हुए हैं। यूजुअली एवरी 2 ईयर्स हम इनको पेंट करते हैं। ये एक फ्लोर सीलर है जिसमें हम टिंट डलवाते हैं और उसको हम फिर पेंट करते हैं। आमतौर पर वो दस्तयाब नहीं होता है, लेकिन वो ऐसी जगहों पे मिलता है जहाँ पर कंक्रीट का काम होता है, ये ड्राइववेज वगैरह का काम होता है, जहाँ पर वो स्टेंसिल वगैरह जो है ड्राइववेज पर वो बनाते हैं, उन जगहों पे ये कलर मिलता है, टिंट मिलता है, या वो सीलर मिलता है, उसमें हम टिंट डलवा लेते हैं। उससे फिर ये है कि उसमें ये कलर आ जाता है जो कि आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये जो बीच के ग्रूव्स हैं, ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें भी बाज़ों का काई सी जम जाती है, तो जब आप इससे धोते हैं तो बिल्कुल वो बीच में से निकाल लाता है। आप इसको हाथ से कभी भी साफ़ नहीं कर सकते, कारशर की ज़रूरत होती है। ये बहुत हैंडी मशीन है, छोटी सी मशीन है, बहुत महंगी भी नहीं है और पानी कम यूज़ करती है। अगर आप होज लेकर इसको धोने की कोशिश करें इस एरिया को, तो आप कभी भी नहीं इसको साफ़ कर पाएंगे। लेकिन इस मशीन में एयर है और पानी है, पानी कम है हवा ज़्यादा है, तो एक तरह से फवारे की तरह, या यूँ समझेंगे एक प्रेशर से हवा और पानी जो है वो ये फेंकती है। पानी कम यूज़ होता है लेकिन चीज़ बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी धुल जाती है। हम यूज़ करके थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं। मेंढक पूप कर जाते हैं, लीजीज पूप कर जाती हैं, तो वो जो है फिर आपको धोना पड़ता है। और जितना ज़्यादा प्रेशर किसी जगह पे आपने डालना हो, उतना ज़्यादा करीब आपको इसकी नोज़ल जो है वो करनी पड़ती है, इसकी इस गन की जो कि हमारे हाथ में है। उससे ये है कि जो भी चीज़ वहाँ वो उतर जाती है, स्टेन भी उतर जाता है, धब्बा मिट्टी हर चीज़ जो आप स्क्रब करने से भी नहीं उतार सकते, वो इसका प्रेशर जो है वो उतार देता है। इसी तरह गाड़ी के टायर्स हैं। गाड़ी के जो टायर्स हैं वो इससे बहुत अच्छे साफ हो जाते हैं। गाड़ी धोने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और वो जो सामने आपको अमरूद के नीचे दीवार नजर आ रही है, वो भी हम अभी हमने जाकर धोनी है, इसलिए कि सारी उसको काई लगी हुई है। ये अमरूद जो है इसके नीचे से हमने कुछ ब्रांचेस काटी हैं और कुछ ये खुद ऊंचा हो गया है। इसको इतना फल पड़ा था कि इसकी जो ब्रांचेस हैं वो घास पर लेटी हुई थी,
तो हमने नीचे से थोड़ा बहुत ट्रिम किया, इसलिए कि मोवर के साथ जब हम गुजरते हैं तो वो हमारे सर को हिट करती थी ब्रांचेस जो थी। और फिर हमें पता था कि जब इसका फल ख़त्म होगा तो फिर ये थोड़ी सी अपनी कमर भी सीधी कर लेगा, तो वो इसने कर लिया है। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है जैसे ही इसको फल पड़ेगा ये और नीचे आएगा। तो कॉनिफर्स भी इसके नीचे दब जाते हैं, आम भी हमने कुछ जो है इसके नीचे ग्राफ्ट करके रखे हुए हैं, और उस एरिया में वो जो आपको आमों वाला या अमरूद के नीचे दिखाई देता है उधर हमने जिंजर लगाने का भी इरादा किया हुआ है। हमने हल्दी बो रखी थी, हल्दी बहुत हुई, निकाली हमने, डिग भी की, लेकिन ये है कि हल्दी सुखाओ या कच्ची ही पीसो तो उसका कलर बहुत होता है। वो इतनी अच्छी हल्दी ताज़ी उतरती है और वो सारे हाथों में, नेल्स में और बेंच टॉप पे, बर्तनों में, जिस चीज़ को आप पकड़ें उसको लग जाती है। तो इस वजह से हमने हल्दी से तौबा कर ली तो हम बाज़ार से लिए हुए पाउडर के साथ ही ठीक हैं, लेकिन ये है कि वो जगह ऐसी चीज़ों के लिए जो रूट वाली हों, जिंजर वगैरह के लिए बहुत अच्छी है। तो इस बार हमारा इरादा है कि हम ट्राई करेंगे। अभी हमने ऊपर गमले रख दिए तो नीचे से किसी चीज़ ने उगना भी होगा तो नहीं उगेगी। तो ग्रीन देखें किस कदर हुआ है, घास काटने वाली है। बजियास बुटीक पे हमने ऑफ़र लगाई हुई है, अप्रैल में ख़त्म हो रही है, वहाँ इश्तिहार देके और हम यहाँ खड़े हुए घर धो रहे हैं और मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। और सिडनी से आए, थक भी बहुत गए, हेडेक भी बहुत रही, थोड़ा टेम्परेचर भी है, फ्लू सा भी हो रहा है, एवानिया को भी हुआ, एवान के डैडी को भी थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दो पैनाडोल खाई हैं और काम पर लगे हैं। तो जो होम्योपैथिक का नुस्खा है वो हमने दे रखा है यहाँ पर। वो खाने से ये फ़ायदा होता है कि हमारी तरह इंसान चलता फिरता रहता है, अगर उसको थोड़ा बहुत हो भी तो बीमार नहीं पड़ता है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये हमें अब मशीन उधर बुला रही है, हमारी वॉशिंग मशीन, जिसमें हमने फ्लोर मैट्स डाले हुए हैं ब्लीच डालकर, सोक पे डाला हुआ है हॉट वाटर में। सफ़ेद मैट्स हम यूज़ करते हैं, टाल्स भी सफ़ेद ही यूज़ करते हैं। सारा दिन हमारी जो है भाग दौड़ लगी रहती है। साथी पूछते हैं आप इतनी स्लिम कैसे हैं, आप इतनी स्मार्ट कैसे हैं। कभी वो हमारी ज़िंदगी आके जिए तो उन्हें पता लगे कि किस तरह पर कितने किलोमीटर जो है वो हम यहाँ पर चल लेते हैं दिन का, कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की बाज़ औक़ात हिम्मत नहीं पड़ती है। तो अल्लाह ताला तौफीक दे, हिम्मत दे। हम यूज़ कर रहे थे, साथी पूछते हैं कि कैसे मेंटेन करती हो, दिन कैसे गुजारती हो, क्या क्या काम करती हो। बाज़ दफ़ा साथी सिर्फ अस्सलाम वालेकुम लिख जाते हैं और पूछते हैं क्या हाल है, तो हम वो भी सोच रहे होते हैं कि हम लिखने के लिए भी हमें उनका जवाब वक्त चाहिए होता है। तो शाम ढलने लगी है और हम अब जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके अंदर जाते हैं। छोटा सा क्लिप था, हमने सोचा कि हम आपके लिए बना दें और ये आपको साथ ये मशीन दिखा भी दें। ये देखें तो छोटी सी मशीन है, सस्ती सी आती है, बहुत अच्छी महंगी महंगी मशीनें भी आती हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हैं और यूज़फुल भी हैं, लेकिन हमारा इसी से ही गुजारा चल रहा है पिछले 10 साल से। तो बहुत अच्छी रही है, बेशक छोटी सी ले लें, काम की है, काम आती है, प्रेशर है, बहुत अच्छा है, बहुत काम आती है। जैसे ये जो वॉस्प मिट्टी के घर बना लेते हैं दीवारों पे, अभी इस वक्त तो हमें शायद कोई नहीं दिखाई देगा, कोई दिखाई दे तो हम आपको दिखाएं, वो जो घर बना लेते हैं वो भी बड़े अच्छे धो देती है। तो आके छोटे छोटे से घर इस तरह बना जाते हैं मिट्टी के, ज़्यादातर आपको यहाँ पर वही दिखाई दे रहे होंगे टूटे हुए जो हमने धोकर उतारे हैं। तो ये तो थी छोटी सी एक तरह की सैर, चंद बातें आपके साथ और सफाई की टिप्स। तो इंशाल्लाह हम गाहे गाहे जो भी काम इस तरह का करेंगे वो आपको दिखाएंगे और बताएंगे। मोल्ड जो लग जाती है जैसे उस दीवार पे लगी हुई है वो भी अभी हमने जाकर साफ़ करनी है, तो बहुत साफ तौर पे जो है वो आपको दिखाई देगी। फेसबुक पेज पे अपने हम कोशिश करेंगे कि हम उनकी फ़ोटोज़ डाल सकें ताकि आप उसको धुला हुआ भी देख सकें। अभी हम इसको खींच कर एक हाथ में फ़ोन पकड़ कर वहाँ तक मशीन को नहीं ले जा सकते हैं, वरना हम आपको धोते हुए भी आप दिखा देते कि वो किस तरह पर साफ़ होती है, बिल्कुल नई। नीचे से एक गो में आप पानी फेरेंगे तो वो साफ़ निकलेगी लकीरें। तो तस्वीर आप देख लीजिएगा, अभी हम पाइप और तार एक साथ घसीट रहे हैं तो अब हम बाकी का काम ख़त्म करते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।